एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंश और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। अजय देवगन स्टारर फिल्म औरों में कादम था के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म के अपकमिंग गाने जहां से चले थे का टीजर जारी किया है। टीजर से साफ पता चल रहा है कि जहां से चले थे एक इमोशनल गाना होगा जिसे सुनिधि चौहान और जुबिन नौटियाल की आवाज ने सजाया है और ये गाना डेफिनेटली म्यूजिक लवर्स के लिए होने वाला है। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की 1998 की क्लासिक फिल्म सोल्जर के सीक्वल पर काम चल रहा है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शूटिंग अगले साल यानी 2025 में शुरू होगी। वहीं खबर है कि सोल्जर के सीक्वल पर दिग्गज प्रोड्यूसर रमेश तौरानी काम कर रहे हैं। टीवी कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया फाइनली इंडिया आ चुके हैं। वहीं बीते दिन कपल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था जहां उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर किया। बता दें कि ये कपल वेकेशंस पर गया हुआ था लेकिन वहां इनके साथ लूटपाट हो गई जिसके बाद उनकी मदद इंडियन एम्बेसी ने की थी। विकी कौशल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो दिल्ली मेट्रो में सफर करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनकी को एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी और एमी विर्क भी साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि तीनों जल्द ही एक साथ बैड न्यूज में नजर आने वाले हैं और फिल्म के प्रमोशंस के बीच ही तीनों ने दिल्ली मेट्रो की सवारी की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन स्टारर मीना कुमारी की बायोपिक को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। बता दें कि पहले ये फिल्म अक्टूबर 2024 में फ्लोर पर आने वाली थी लेकिन अब इसे 2025 तक के लिए टाल दिया गया है। सोर्सेज के मुताबिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेस की वेशभूषा को फिर से बनाने में काफी टाइम लग रहा है और इसीलिए ये डिले हुआ है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 बनाने के लिए हाल ही में अभी देओल ने एक पोस्ट के जरिए जोया अख्तर के सामने हाथ जोड़ दिए हैं। वहीं जोया ने अपने रिएक्शन में इस पोस्ट पर दिल और स्माइलिंग इमोजी के साथ बस अब है डी लिखा है। वहीं अब फैंस भी इस पोस्ट पर अपने तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और अपनी एक्साइटमेंट भी जता रहे हैं। खबर है कि विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज के 3 सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने मेकर से कैची चलवा दी है। बता दें कि CBFC की जांच समिति ने 3 सीन्स को ट्रिम किया है जिनमें से 2 क्लिप किसिंग सीन्स के हैं और अब विकी और तृप्ति की ये फिल्म 2 घंटे और 22 मिनट लंबी होने वाली है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर फवाद खान को कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 3 से धांसू कमबैक करते हुए देखा जा सकता है। वहीं इस खबर ने फवाद खान के फैंस का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि भूल भुलैया 3 का निर्देशन अनीस बज्मी कर रहे हैं। बॉलीवुड की भाभी नंबर 2 उर्फ तृप्ति डिमरी का नया ऑल व्हाइट लुक सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस लुक में तृप्ति व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में नजर आ रही हैं, जिस पर एक खूबसूरत व्हाइट रोज भी लगा है। वहीं तृप्ति के फैंस अब उनके इस क्यूट लुक को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग कम्प्लीट हो गई है और फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी देते हुए निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।